और अब औरैया से एक हैरान कर देने वाली खबर। मतलब आपने देखा हो ना, भारत में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण, लालच से धर्मांतरण, धोखे से धर्मांतरण या धर्मांतरण के लिए लव जिहाद की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन धर्मांतरण की वजह से किसी की जान चली जाए, ये संभवतः पहली बार इस तरह का मामला सामने आया यूपी के औरैया से। और बोल रहे थे तुम मुसलमान बन जाओ, मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मारे हैं, कुटे हैं, तुल्ली आते, सलमान आते और सप्तार आते, ललावे चले गए, खत्म हुई गो ललावे। प्रलोभन दिया कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तित कर लेंगे और पीड़िता से शादी कर लेंगे तो हम इसमें आपके मुकदमे में सुलह कर लेंगे। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बताया ना, लव जिहाद के तहत कई रिजवान रोहित बनकर हिंदू लड़कियों को धोखा देते हैं, ये इस तरह की कई कहानी अब तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन यूपी के औरैया में इसका उल्टा हो गया, हैरान हो जाएंगे आप। यहां रोहित नाम के एक लड़के ने एक मुस्लिम लड़की और उसके परिवार के खिलाफ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि रोहित को धर्मांतरण ने मारा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, बड़ी खबर है। रोहित नाम के एक लड़के ने एक मुस्लिम लड़की और उसके परिवार के खिलाफ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली है। रोहित ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया ना, उसमें उसने बताया कि उस पर धर्मांतरण का दबाव कितना पड़ गया था, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या तक करनी पड़ी। रोहित और उसके परिवार का आरोप है कि एक मुस्लिम लड़की ने पहले उससे दोस्ती की, मुस्लिम लड़की ने रोहित से दोस्ती की, फिर दोस्ती के नाम पर पूरा परिवार रोहित पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। ये सब आरोप है, लेकिन रोहित शादी के लिए धर्मांतरण को तैयार नहीं हुआ, तो फिर मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई, उसके खिलाफ झूठा रेप केस बनाया गया, ऐसे आरोप। परिवार वालों को भी जेल भिजवाने की धमकियां दी गई। रोहित के परिवार का यह भी आरोप है कि जब रोहित ने धर्मांतरण करने से इंकार कर दिया तो 15 नवंबर को लड़की के परिवार वालों ने उसके घर पर हमला कर दिया और पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। इसी घटना के बाद रोहित इतना ज्यादा परेशान हो गया कि 18 नवंबर को उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन आत्महत्या से पहले उसने वीडियो में बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे रोहित की मौत के बाद उसकी मां की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों के खिलाफ रोहित के मोबाइल में आत्महत्या का वीडियो मिला है, जिसमें रोहित ने बताया कि कैसे उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसे एक मुस्लिम लड़की से शादी करनी होगी और शादी तभी होगी जब वो मुसलमान बन जाएगा। रोहित के आरोपों में देखिए कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये भी सच है कि देखिए, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर, बहुसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर दबाव, लालच और साजिश के जरिए धर्मांतरण के आरोप लगते हैं। इसलिए यूपी समेत देश के 8 राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बनाए जा चुके हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में एक सुनवाई के दौरान कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि डरा धमका कर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। यहां तो रोहित ने सुसाइड कर लिया और मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले उसने वीडियो बनाया, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बकौल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं। मगर इस युवक ने भी धर्म परिवर्तन के दबाव की वजह से ही खुदकुशी की है, तो फिर इस मामले में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे रोहित को इंसाफ मिल सके और ऐसे मामले सामने ना आए। हालांकि एक चीज ये भी सामने कही जा रही है, जो आरोप है उसकी जांच होगी तभी सच सामने आ पाएगा, लेकिन डिनायल मोड से भी लोगों को बाहर आना होगा कि ये तो होता ही नहीं है, धर्मांतरण होता ही नहीं है, सब होता ही नहीं है ना। इन डिनायल मोड से भी लोगों को बाहर आना पड़ेगा।